हाय फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द इंटरनल एनर्जी एज अ स्टेट फंक्शन। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे जो इंटरनल एनर्जी है वो हमारी एक स्टेट फंक्शन है, मतलब वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। सो व्हेन वी टॉक अबाउट आवर केमिकल सिस्टम, आइदर इट लूजेस एनर्जी और इट गेन्स एनर्जी, तो हमें क्वांटिटी बतानी पड़ेगी जो हमें टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम के बारे में बताती है। एक ऐसी क्वांटिटी जो टोटल एनर्जी सिस्टम की क्या है उसके बारे में हमें एक्सप्लेन करती है। वो एनर्जी हमारी केमिकल भी हो सकती है, इलेक्ट्रिकल भी हो सकती है, मैकेनिकल भी हो सकती है, या कोई और डिफरेंट टाइप की एनर्जी भी हो सकती है। तो इन सब का अगर हम सम कर दें, सभी एनर्जीज का, दैट विल बी द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। और थर्मोडायनेमिक्स में इस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। और ये जो आपकी इंटरनल एनर्जी है ये चेंज कैसे करती है, या तो जब हीट सिस्टम के अंदर एंटर करे या उससे बाहर जाए, वर्क जो है वो सिस्टम पे किया जाए या सिस्टम के थ्रू वर्क हो, मैटर जो है वो सिस्टम में एंटर करे या वो लीव करे, अगर ये तीनों प्रोसेसेस में से कुछ भी होता है तो इंटरनल एनर्जी जो है हमारी वो चेंज हो जाती है। सो इंटरनल एनर्जी जो है आपकी वो टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम को डिफाइन करती है। थैंक यू।